दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत की शान व भारत का अटल प्रहरी हिमालय आज से करोड़ों साल पहले कैसे अस्तित्व में आया। दोस्तों दुनिया में कई ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, लेकिन हिमालय को गिरिराज के नाम से प्रथम श्रेणी में रखा गया है। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय का विस्तार भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और चीन तक फैला हुआ है और संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हिमालय की ही चोटी है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं कि इतना विशाल पर्वत आखिर बना कैसे। दोस्तों जिस जगह पर आज विशाल हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, वहाँ आज से 6 से 7 करोड़ साल पहले एक सागर हुआ करता था, जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह अर्थात स्थल मंडल का निर्माण छोटी बड़ी महाद्वीपीय प्लेटों से हुआ है। यह लगातार आंशिक रूप से पिघली चट्टानी परत यानी स्थैनोस्फीयर पर टिकी हुई है और उसके ऊपर फिसलती रहती हैं। इसके किनारों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसे इस स्थान पर भूकंप व ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। जिन स्थलों पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहां इतना अधिक प्रेशर जनरेट होता है कि उससे सतह पर विशाल सिलवटें पड़ जाती हैं, जिनसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ठीक यही प्रक्रिया हिमालय के फॉर्मेशन में भी हुई। हिमालय का निर्माण 7 करोड़ साल पहले दक्षिण पश्चिम से लगभग 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके आई इंडियन प्लेट और उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। इंडियन प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण वह नीचे चली गई और यूरेशियन प्लेट का घनत्व कम होने के कारण वह इंडियन प्लेट के ऊपर चढ़ गई, जिससे विशाल वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव आज भी जारी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।